सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं. हमको पता है कि हम जो है नॉर्मली हमारी बुक्स मेंटेन करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे कैश बुक नाम रखा है, ठीक है. और दूसरी हम क्या बुक्स मेंटेन करते हैं, पासबुक. ये कौन मेंटेन करती है, बैंक मेंटेन करती है हमारे लिए, ठीक है. हमारे जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं. नॉर्मली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एंटिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स दोनों जगह आने चाहिए थे वो ट्रांजेक्शन्स हमने दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं किए. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ से चेक जो है इशू कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक उसके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, क्योंकि बैंक तक वो पहुँचा ही नहीं अभी तक, ठीक है. इन दैट केस क्या होगा, हमने यहाँ तो एंटर कर दिया लेकिन यहाँ पे एंट्री उसकी की नहीं है, तो ये दोनों जो है मैच नहीं करेंगे. सो कई सारे और ऐसे ही केसेस होते हैं जो अभी हम देखने वाले हैं. इन केसेस में हमारा कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेगा. सो उनको मैच करवाने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है. जहाँ पे फर्स्ट केस, जहाँ पे आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक के बैलेंस तक पहुँच रहे हैं. दूसरा केस जहाँ पे आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, कैश बुक के बैलेंस तक पहुँच रहे हैं, तो कैश बुक से पासबुक में जाना है तो कुछ ना कुछ आपको ऐड या डिडक्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली पासबुक से कैश बुक में जाना है तो कुछ ना कुछ आपको ऐड या डिडक्ट करना पड़ेगा. तो कौन सी चीज़ें होंगी जो कि ऐड होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो डिडक्ट होंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर. हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया है लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, समझिएगा. सो हमारा ये कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, ठीक है. हमने हमारा जो चेक है वो क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन अभी तक बैंक में ने उसको क्लियर नहीं किया. इन दैट केस डिपॉजिट करते टाइम हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया होगा और हमारा बैंक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया होगा, लेकिन पासबुक में अभी तक उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, ना ऐड हुआ है ना डिडक्ट हुआ है. इन दैट केस अगर आप कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पासबुक के बैलेंस में आना है, इन दैट केस पासबुक में तो ये चीज़ एडेड है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. जो भी चीज़ आपने ऐड कर दी है कैश बुक में जो कि पासबुक में एडेड है ही नहीं, उसको आपको डिडक्ट करना है. जो भी चीज़ आपने डिडक्ट कर दी है कैश बुक में, पासबुक में है ही नहीं, उसको आपको ऐड करना है, ठीक है, ताकि बैलेंस जो है आप एट लास्ट उस तक पहुंच पाए. सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर. हमने कैश बुक में तो ऐड कर दिया पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ है, इन दैट केस आपको इसको करना पड़ेगा डिडक्ट. नेक्स्ट आते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक. डिपॉजिट अलग होता है, हमने अपने पैसे उठा के, हमको किसी ने पैसे दिया, हमने उसको चेक को डाल दिया, ठीक है, तो ये पैसे हमको मिले. नेक्स्ट केस जहाँ पे बोल रहा है कि हमने इशू किया है चेक. चेक इशू करना मतलब हमने मिस्टर ए का बिजनेस था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट करने के लिए, चेक से पेमेंट करने के लिए उसके नाम पे चेक दिया, मतलब हमारा जो बैलेंस है वो कम हुआ होगा, हमारा बैंक का बैलेंस हमने यहाँ पे कम कर लिया, लेकिन ये जो है प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक बैंक में, ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ. इन दैट केस बैंक में उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा. तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई भी चीज़ कैश बुक में डिडक्ट हुई हो और पासबुक में उसका कोई भी ट्रीटमेंट ना हुआ हो तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो यहाँ पे ये चीज़ ऐड होगी, ठीक है. नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है. ये जो साइड में मैं चीज़ें लिखा रही हूँ आप भी साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है. मैं अभी इरेज कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, लिखते जाएंगे ना तो आपको भी क्लैरिटी रहेगी हर पॉइंट की. मैंने एक लास्ट पेज आपको दिया है यहाँ पे, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली. अब डेबिटेड मतलब क्या होता है, डेबिटेड मतलब काटा गया, ठीक है. हमारे बैंक बैलेंस में जो भी अमाउंट था उसमें से इंटरेस्ट चार्ज किया गया, हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, किसी भी पर्पज़ के लिए चार्ज किया होगा. इन दैट केस हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो डिडक्ट हो गया, लेकिन कैश बुक ने अभी हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है. इन दैट केस हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको कैश बुक से पासबुक में जाना है. इसमें डिडक्ट हुआ है, इसमें भी डिडक्ट कर दो, ठीक है. इसमें डिडक्ट हुआ, इसमें भी डिडक्ट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा. दो चीज़ें यहाँ पे अभी तक पता चली हमको. हम अगर कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, हमने कोई चीज़ कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी है पहले से ही, हमने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर दी, तो यहाँ डिडक्ट कर दो,
और यहाँ डिडक्ट कर दी तो यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। सो फर्स्ट आपने ये किया, सेकंड आपने ये किया। अगर समझ लीजिए फर्स्ट टाइम में आपने यहाँ पे से डिडक्ट किया तो यहाँ यहाँ भी डिडक्ट होगा सेम चीज़, क्योंकि हमको इसके बैलेंस तक पहुँचना है। सो यहाँ डिडक्ट हुआ है सो यहाँ भी डिडक्ट कर दो, यहाँ ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी ऐड कर दो। फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, सेकंड ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है तो सेम होगा। अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट कैशबुक में हो रहा है, हमको पासबुक तक पहुँचना है, तो आपका डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, ये समझ जाओ पूरा आपका अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, सो पेमेंट बाय बैंक डेबिटेड इन पासबुक ओनली, सेम ट्रीटमेंट होगा। हम बैंक का कुछ पेमेंट हमने किया है, बैंक के कुछ फैसिलिटीज हमने ली होंगी, तो उसका अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ है, कटा है हमारे बैंक से, बैंक अकाउंट से हमारे कुछ पैसे कटे हैं। इन दैट केस हमारा जो पासबुक है उससे अमाउंट डिडक्ट हो गया, कैशबुक में अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? इसमें डिडक्ट हुआ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, सेम ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन पासबुक ओनली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कस्टमर है उसने डायरेक्ट क्या किया, हमारे बैंक में पैसे डाल दिए। सो यहाँ तो ऐड हो गया, लेकिन कैशबुक में अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ कर दो आप ऐड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है हमको बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड इन पासबुक ओनली, ठीक है। सो हमने जो बिल डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया, किसमें, पासबुक में, ठीक है। सो पासबुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में हमारा जो है पैसे कम हुए होंगे, ऑफकोर्स सी बात है, हमने डिस्काउंट के लिए एक बिल डाला था। एट लास्ट जब बिल डिस्काउंट नहीं होता है, तो जब हम बिल डिस्काउंट के लिए डालते हैं ना, तो बैंक हमको पैसे दे देती है, ठीक है। लेकिन बिल डिस्काउंट नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, इन दैट केस पासबुक से बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ पैसे काट लिए होंगे, ठीक है। ये यहाँ से माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड इन पासबुक ओनली, पासबुक में हमारा चेक डिसऑनर हो गया, तो वापस से यहाँ डिडक्ट हुआ होगा, सेम ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे भी डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। क्या बोल रहा है, बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक में तो ऐड हुआ होगा, ऑफकोर्स सी बात है, बैंक में ऐड हुआ तो कैशबुक में भी आप क्या कर दो, उसको ऐड कर दो। नेक्स्ट बोल रहा है, ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक और अंडरकास्टिंग ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैशबुक, ठीक है। कैशबुक में क्या हो रहा है, कैशबुक में हमने ओवरकास्ट कर दिया अपना पेमेंट साइड, मतलब पेमेंट ज़्यादा शो कर दिए, यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट कर दी है, लेकिन पासबुक में तो सही अमाउंट डिडक्ट की होगी हमने, है ना। सो ये वाला यहाँ माइनस हुआ है पहले, तो यहाँ कर दो ऐड, सो यहाँ पे आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक, हमने कैशबुक में से पेमेंट साइड थोड़ा कम शो किया, मतलब एक्चुअल में जितना पेमेंट होना चाहिए था उससे कम शो किया है, इन दैट केस यहाँ क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा होगा एज कम्पेयर टू पासबुक, पासबुक से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है और पासबुक से आपको मैच कराना है, इन दैट केस पासबुक में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसको करेंगे लेस। डिपॉजिट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैशबुक और एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में हमने ज़्यादा अमाउंट शो कर दिया है, ठीक है, कैशबुक में ज़्यादा अमाउंट शो कर दिया है, तो उसको हम बैंक बुक से कैसे मैच करेंगे, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम करना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ आने के लिए आपको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, पासबुक तक पहुँचना है तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, पासबुक का क्रेडिट साइड हमने कम शो कर दिया है, ठीक है, मतलब कम शो कर दिया, तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पे कम आ रही होगी पासबुक में, कैशबुक का प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो आपको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट आपको बोल रहा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड क्रेडिटेड विथआउट रिकॉर्डिंग इन द कैशबुक, हमने डिपॉजिट किया है चेक बैंक में और वो बैंक के अमाउंट में ऐड हो गया, लेकिन कैशबुक में ऐड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, सेम ट्रीटमेंट करके वहाँ पे भी ऐड कर देंगे। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक फॉर इशू ऑफ चेक बैंक चार्जेस, ठीक है, हमने क्या किया है, रॉन्ग डेबिट कर दिया पासबुक में इशू ऑफ चेक और बैंक चार्जेस, मतलब एक्चुअल में बैंक चार्जेस लगा नहीं था लेकिन हमने लगा दिया, तो पासबुक कम दिखा रहा होगा, कम दिखा रहा होगा, उससे मैच करने के लिए आपको कैशबुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बोल रहा है, रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक फॉर डिपॉजिटर्स चेक एंड इंटरेस्ट, मतलब पासबुक में हमने रॉन्गली ज़्यादा अमाउंट शो कर दिया है, भले रॉन्गली शो किया हो लेकिन कैशबुक से मैच करना है तो आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा,
चेक ड्रॉन बट नॉट एक्चुअली इशू टू द सप्लायर और क्रेडिटर. हमने चेक ड्रॉ तो कर लिया है लेकिन इशू नहीं किया है. इन दैट केस कैश बुक से हमारा अमाउंट माइनस हो चुका है लेकिन पासबुक में अभी भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है. सो अगर पहले कैश बुक में हो गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अपोजिट ट्रीटमेंट होता है, है ना. कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं तो कैश बुक में अगर कोई चीज़ पहले ही हो गई है तो उसका अपोजिट ट्रीटमेंट होगा अगर आपको पासबुक तक पहुँचना है. नेक्स्ट आते हैं बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. हमने कैश बुक में बैंक चार्जेस को दो बार लिख दिया तो यहाँ पे आपको अमाउंट कम दिखा रहा होगा एज कम्पेयर टू पासबुक, तो आप क्या करेंगे, वापस से ये अमाउंट ऐड कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट बोल रहा है हमको अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. हमने कुछ अमाउंट निकाला है बैंक से लेकिन वो अभी तक कैश बुक में नहीं शो हुआ है. सो बैंक से निकाल लिया तो पासबुक तो कम दिखा रहा होगा, कैश बुक को मैच कराने के लिए सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा. आई होप क्लैरिटी आई हो आपको कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो पासबुक तक किस तरीके से पहुँचते हैं. ठीक है, सेम यही चीज़ अब हम देखने वाले हैं जस्ट अपोजिट. मैं आपको इसका ट्रीटमेंट एक बार समझा देती हूँ फिर हम एंट्रीज को आराम से पास कर पाएंगे उन दोनों को देख के. दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप जा रहे हैं पासबुक से कैश बुक में. ठीक है, सो अगर कोई भी चीज़ सबसे पहला ट्रीटमेंट उसको आपका दिया हुआ है कैश बुक में ऐड हो गया, इन दैट केस यहाँ पे सेकेंड ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट. अपोजिट कब करते हैं, जब पहले यहाँ ट्रीटमेंट हो गया बाद में कैश बुक में हो रहा है तो अपोजिट ट्रीटमेंट. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पासबुक कैश बुक. पहला ट्रीटमेंट आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ पहले डिडक्ट हो रही है तो यहाँ से भी सेम ट्रीटमेंट होगा, यहाँ कोई चीज़ ऐड हो रही है तो यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, अगर फर्स्ट ये हो रहा है सेकंड ये हो रहा है तो सेम ट्रीटमेंट, अगर फर्स्ट पासबुक हो रहा है नेक्स्ट कैश बुक हो रहा है तो अपोजिट ट्रीटमेंट. ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब पासबुक से हम कैश बुक की तरफ जा रहे हैं. सो देखिए क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर. बैंक में डिपॉजिट किया तो ऑफकोर्स ही बात है कैश बुक में पहले ही रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट कैश बुक में हुआ, क्या हुआ कि ऐड हो गया. अब यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा, पासबुक में भी ऐड करना पड़ेगा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक. चेक इशू किया मतलब कैश बुक से तो पहले डिडक्ट हो गया होगा, अब कैश बुक से पहले डिडक्ट हो गया है तो हमको पासबुक से भी क्या करना है, डिडक्ट करना है. इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली. पासबुक से बस इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, मतलब पासबुक से इंटरेस्ट का अमाउंट कम हुआ है. फर्स्ट ट्रीटमेंट किस में हुआ, पासबुक में कम हुआ है, तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए हों. ये समझ लीजिए आपकी पूरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आराम से बन जाएगी. पेमेंट बाय बैंक डेबिटेड इन पासबुक ओनली. बैंक ने कुछ पेमेंट्स काटी है जो कि पहले पासबुक में डेबिट हुई है, मतलब पासबुक से कटी है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ हुआ है, सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा, ऐड का. हमने पासबुक में पहले ही डिडक्ट कर दिया तो हमको कैशबुक में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, कैशबुक तक पहुंचना है तो आप उसको ऐड करेंगे. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन पासबुक ओनली. तो पेमेंट किया है कस्टमर ने तो हमारे पासबुक में ऐड हुआ होगा, हम क्या करेंगे, अब डिडक्ट करेंगे. नेक्स्ट आते हैं बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड इन पासबुक ओनली. बिल डिस्काउंट हुआ और वो डिसऑनर हो गया पासबुक में सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, पासबुक में डिडक्ट हुआ होगा, हमको कैशबुक में उसको ऐड करना है. सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो. एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट होता है अगर आप पासबुक से कैशबुक में जा रहे हैं, कैशबुक से पासबुक में जा रहे हैं, दोनों में अपोजिट ट्रीटमेंट. यहाँ लेस हुआ, यहाँ ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ, यहाँ लेस हुआ, यहाँ लेस, यहाँ ऐड, जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट हो रहा है. तो इसके थ्रू आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड इन पासबुक ओनली. सो यहाँ पे पासबुक से माइनस हुआ होगा तो हमको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है. इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक में ऐड हो गया, कैशबुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, कैशबुक से कैशबुक तक पहुँचने के लिए आपको इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और बाकी सारी ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दी है और यहाँ की चीज़ें आप ये खुद से करेंगे. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो. मैं आपको एक मेन कंसेप्ट बताना चाहती हूँ इसलिए मैं आपको खुद से करने बोल रही हूँ. बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों में अपोजिट ट्रीटमेंट आएगा. ठीक है, सो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सॉल्व करें. ठीक है, सो क्या है ये कंसेप्ट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट.
हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। दो चीजें हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं जब हम जा रहे हैं पासबुक से कैश बुक की तरफ, ठीक है। तो हमको जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रीटमेंट, अगर पासबुक में हुआ है, अगर पासबुक में आपने पहले ही कोई चीज डिडक्ट कर दी है, तो आपको जब कैश बुक तक पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने पासबुक में किया है ऐड करके, तो यहाँ क्या आप करेंगे, डिडक्ट करेंगे जब आप पासबुक से कैशबुक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पासबुक से हम कैशबुक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, जो हमको ट्रीटमेंट दिया हुआ है, वो कैशबुक का दिया हुआ है, उसमें बोला गया कि हमने कुछ चीज़ कैशबुक में डिडक्ट की है, तो पासबुक में भी आप वो चीज़ डिडक्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ कैशबुक में ऐड हुई है तो वो चीज़ आप पासबुक में भी ऐड करेंगे, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हमको जाना है कैशबुक से पासबुक में। सो अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपका बैंक रिकंसिलेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने कैशबुक में किया है, क्या ट्रीटमेंट किया है, हमने कैशबुक में ऐड कर दिया है, तो यहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा, अपोजिट, आप डिडक्ट कर देंगे। यहाँ डिडक्ट किया है तो यहाँ ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट केस, जहाँ पे आप कैशबुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं और पासबुक में आप फर्स्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे अगर डिडक्ट हुआ है, तो आप जब कैशबुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कुछ चीज़ ऐड हुई है तो यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है तो अपोजिट आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पासबुक तक पहुँचने के लिए। अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है तो सेम ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा पासबुक तक पहुँचने के लिए। सेम वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ हुआ तो अपोजिट, एंड फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ हुआ तो सेम ट्रीटमेंट आपको करना है पासबुक से कैशबुक तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो बैंक रिकंसिलेशन के लिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग बेसिक्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। हमारा क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर आज देखिए हमने रिविजन लेक्चर के नाम पर आपको सारी चीज़ें करा दी, A to Z, हर एक कंसेप्ट हमने पकड़ा है, हर एक क्वेश्चन जो भी इम्पॉर्टेंट था वो हमने पकड़ा है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने कराए हैं, जो जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें हमने कवर करवाई हैं। सो हमने हमारी तरफ से पूरी मेहनत की है। अब आपको क्या करना है, आपको अब अच्छे से रिवाइज करना है सारी चीज़ें। नोट्स का टेंशन नहीं है, आप नोट्स @CMA Junction से ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ये नोट्स ले सकते हैं, आपको वहाँ पे ये नोट्स मिल जाएंगे। और ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, आप इंटर पे आएंगे तो इंटर के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करके रखी है। फाइनल के लिए भी हम अभी स्टार्ट किया है हमने फाइनल अभी, और फाइनल के लिए भी हम आगे जाके बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर आपने ये फर्स्ट चैप्टर में अच्छा रिस्पांस दिया, तो हम आगे जाके आपके आगे के चैप्टर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बस रिस्पांस ही चाहिए आप सबसे, आप आगे जाके और सारे स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए। अच्छा खासा रिस्पांस अगर हमको मिलता है फर्स्ट चैप्टर पे, तो हम ज़रूर आप सबके लिए नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे रिविजन का, फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं वो सारी चीज़ें आप भी लिखिएगा, इसीलिए मैंने स्पेसेस छोड़ के रखे हैं, ताकि आप भी अपनी तरफ से वहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर पाएँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।